मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। फिर से एक बार 11,500 के लेवल के आसपास जाके हमने एक बार कोशिश की उस लेवल को पार करने के लिए। हालांकि उस लेवल से फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और 11,470 के आसपास आके हम बंद हुए हैं। हालांकि 11,500 के लेवल को छूना वही काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि 2-3 पॉइंट से रह गए, लेकिन 2-3 पॉइंट के उतने मायने नहीं है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। और 11,497 के आसपास आज हमने नया हाई जो है वो छुआ है। इनफैक्ट 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पे आज भारतीय बाजार बंद हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ये हमको पता था कि 11,500 के आसपास मार्केट पहुंचेगा और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा था वो ये साफ दर्शा रहा था कि 11,500 के आसपास आपको मार्केट जाते हुए दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 11,500 तो पहुंच चुके हैं, यहां से क्या। तो यहां से अगर आपको दूसरी जो तेज़ी है वो देखनी है तो आपको 11,500 के ऊपर ही देखने मिलेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है जिस पे मार्केट लगातार जाके अटक रहा है। शायद आने वाले कुछ दिनों अटकते हुए भी दिखेगा, लेकिन जिस दिन ये लेवल को पार करेगा, और पार करेगा का मतलब ये नहीं है कि पार करके वहाँ रुक जाए, जिस दिन इस लेवल को पार करेगा और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा ना, उस दिन फिर आपको 11,500 जो है वो अगला सपोर्ट बन जाएगा। फिर वहाँ से आपको एक नई तेजी बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल देखते हैं कब तक 11,500 के लेवल को हम होल्ड करते हैं, वहाँ से कब तक और कितने बार रिट्रेस करके नीचे वापस आते हैं। जिस दिन टूट जाएगा, जिस दिन उसके ऊपर जाके हम क्लोजिंग देंगे, उस दिन आपको फिर से एक नई फ्रेश तेज़ी जो है वो देखने मिलेगी। फंडामेंटली कुछ बदला नहीं है। आपके गवर्नर साहब खुद ही कहते हैं शेयर मार्केट इज़ नॉट इन टैंडम विद द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के हालात इतने ख़राब है लेकिन शेयर मार्केट जो है वो लगातार चलते जा रहा है। और इसका कारण है ग्लोबल लिक्विडिटी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज भी देखिए, जब भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे थे तो यूएस के मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स देखिए, वहाँ अच्छी खासी तेजी थी। कैक डैक फुटसी यूरोपियन मार्केट्स देखिए, वहाँ अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे थे। एशियन मार्केट्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो हर एक मार्केट में हरे निशान में कारोबार हो रहा था। अच्छी खासी तेज़ी जो है वो ग्लोबली देखने मिली थी, और इसी ग्लोबल तेज़ी का जो फायदा जो है इंडियन मार्केट्स को भी आज मिला, और इस तेज़ी के चलते ही 11,500 का लेवल हमने जो है वो आज छुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये लेवल जल्द से जल्द हम आगे निकालें, 11,500 के ऊपर जाएं, उसके ऊपर जाके टिके और क्लोज दे, तो नई तेज़ी जो है उसकी शुरुआत आपको फिर से देखने मिल सकती है। तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, अच्छे मोमेंटम में भारतीय बाजार है, और इस मोमेंटम में आपने देखा आज हम 11,500 के लेवल के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दिए। और बैंक निफ्टी का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से मैं बोलता था कि अगर मार्केट को चलना है तो उसके लिए बैंक निफ्टी का चलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज भी देखिए करीब 2.25% के आसपास की तेज़ी जो बैंक निफ्टी में देखने मिली है। मिड कैप्स भी पीछे नहीं थे, 125 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो मिड कैप इंडेक्स में भी देखने मिली। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने मिला है, तो अच्छी बात है। एंड वी होप कि ऐसे ही तरह चलता रहे। तो फिलहाल जो टारगेट आपको रखना है 11,500 अगर निकल जाएगा तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। नीचे के लेवल पर अगर आप देखें तो पहले तो 11,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 11,380 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी पास में है और सपोर्ट जो है वो काफ़ी नीचे है। तो ये बात आपको याद रखना है, और ऐसे ट्रेड करना ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। अगर वो निकल गया 11,500 तो देखेंगे, और 11,380 नीचे टूटता है तो सीधे 11,330-320 के आसपास का सपोर्ट जो है वो आपको मार्केट में देखने मिलेगा। तो ऐसा ट्रेड रखिएगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यू नो पता नहीं कब मार्केट घूम भी सकता है। ऐसा एकदम ही बिंदास होकर खरीदारी मत कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ करना, ये याद रखना। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर। और यहाँ आयशा मोटर्स पे काफ़ी बार यहाँ सवाल पूछे जा रहे थे, पहले कोई तो था कंटिन्यू सवाल पूछा था आयशा मोटर्स पे। अच्छा, रमेश माधाराव, डोईफोडो, आयशा मोटर्स और आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स में ना सही बोलो तो सबसे बहुत डिफ़िकल्ट है इसके ऊपर कॉल देना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो वो बोनस के चलते माना जा रहा था कि यू नो स्टॉक चलेगा, चला भैया। और मैं देख रहा हूँ स्टॉक को 800-900 के आसपास तक, पहले मुझे लगा था 1,000 चलेगा, चला ठीक है 1,500 जाएगा 2,500 तो किसी ने सोचा था भाई जाएगा, लेकिन गया। उसके बाद वो बोनस की यू नो ऐलान हो गया, तब लोगों ने बोला चलो अब तो न्यूज़ आ गई, अब ख़त्म हो गया। उसके बाद भी चला, अब तो देखो 3,500 के आसपास आके खड़ा है। पता नहीं, ये शायद एक अपनी ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है। वो जो बल्क ड्रग पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को होने वाला है, शायद इसी वजह से इस कंपनी में आपको इस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है। इस कंपनी में ये कहना कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कीजिए, यहाँ 5,000 का हो गया तो क्या करेंगे, तो इस कंपनी पर कॉल देना काफ़ी मुश्किल है। मैं आपको सही बात बताऊँ,
नेवर नो, यहाँ से चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, तो जब तक चल रहा है सर एंजॉय कीजिए इसको, आपके पास है तो पोर्टफोलियो में रखे रहिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा रुक सकते हैं 5,000 के लेवल के लिए, अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो देखिए जैसे नीचे आएगा वैसे निकल जाइए। तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव फंडामेंटल कॉल ऑन दिस, बट हाँ रैली है, रैली को राइड कीजिएगा। जहाँ तक आइशर मोटर्स की बात है, तो स्टॉक स्प्लिट की आप बात कर रहे हैं, उसके पहले इस स्टॉक में करना क्या चाहिए मेरे ख्याल से, देखिए इस काउंटर को ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक काउंटर है नहीं है, तो देर इज नो प्रॉब्लम, है ना। आज मेरे ख्याल से ये एक्स हुआ था और उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी जो है इस काउंटर में देखने मिली है, तो आप चाहिए तो ले सकते, हो सकता है अगले वो रैली वैली देखने मिलेगी इस काउंटर में, बट थोड़ा संभल के रहना ऑटो काउंटर में, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ। अभी भी देखिए आज इसकी एक्स डेट थी, है ना, आज आपके पास होगा तो दो दिन बाद आपको रिकॉर्ड डेट में दिखाई देगा, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऑटो काउंटर एज अ होल जो है उसमें हो सकता है आपको दिक्कतें हों, क्योंकि इकोनॉमी के हाल अभी तक इतने अगर सुधरे नहीं है, नो डाउट मंथ ऑन मंथ क्योंकि ऑटो नंबर आ रहे हैं तो उसमें सुधार देखने मिल रहा है, तो वो ठीक है। अब आप समझिए ना, कुछ लोग कहते हैं कि लोग प्रीमियम चप्पल जूता नहीं खरीदेंगे, तो प्रीमियम बाइक कौन खरीदेगा, ये तो सोचिए। सो देयर इज टू मच, ऑटो काउंटर है ठीक है, बट ऑटो काउंटर में अगर आप देखें टू व्हीलर में, हाँ ये मेरा फेवरेट है, बट इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा कन्विक्शन किसी हीरो या बजाज में लगता है जो एंट्री लेवल बाइक्स भी बनाते हैं। तो अगर कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ और शायद लोगों ने बाइक लेने की सोची, तो मेरे ख्याल से वहाँ ज़्यादा ट्रैक्शन देखने मिलेगा। तो आइशर नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए शायद बहुत अच्छा बेट है, बट मीडियम टर्म के लिए मेरे ख्याल से इससे बेटर आप कोई बजाज या हीरो मोटो जो है वो शायद ज़्यादा बेनिफिट देखे जाएगा, इतने में कह सकता हूँ। अच्छा भाग्यश्री पाटिल, IDFC फर्स्ट बैंक 32 पे, चलिए IDFC फर्स्ट बैंक अगर आपने 32 पे लिया है, मतलब आजकल की खरीदारी है। देखिए अगर भाग्यश्री जी आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूँगा इसको रखिए, 50 रुपये जाएगा, ये मैं 20 रुपये से कह रहा हूँ कि 50 रुपये जाएगा, 32 पे ऑलरेडी आ चुका है, अभी भी कह रहा हूँ ये 50 रुपये जाएगा, हो सकता है टाइम लगे, अब समझिए यहाँ से 4 साल लगा, तो 4 साल में 32 का 50 रुपये मतलब कितना हुआ, 18 रुपये की तेजी, 3 रुपये समझिए, 32 पे आपने खरीदा और अगर आपको 18 रुपये का फायदा होता है, मतलब यहाँ से करीब करीब 60% का फायदा आप ले सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा। आपका पैसा अगर 60% बढ़ जाता है यार, 4 साल में भी बढ़ता तो कोई ख़राब नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहती है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लेवल है, आपने खरीदा है नो डाउट, 50 रुपये तक के लिए आप रुक सकते हैं इस काउंटर में, मुझे इस काउंटर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, याद रखिए 30-45 इस कंपनी का 200-day DMA है, उसको पार करने में इस काउंटर को दिक्कत हो रही है, वहाँ जाके आज वापस आया, अगर उस लेवल को पार कर लेता है तो 35 जाएगा, अगर नहीं होता है तो 31 का स्टॉप लॉस रखना, आज का लो जो है उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना मत, नहीं तो फिर गिर जाएगा ये काउंटर, है ना, फिर 1 रुपये की गिरावट हो आएगी तो जो आपने कमाया था वो भी चला जाएगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा ट्रेड लीजिएगा अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से आप रख सकते हैं। अच्छा नंदू शिंदे इंडिया मार्ट पे पूछ रहे थे, इंडिया मार्ट इंटरमेस्ट 2800 पे उन्होंने खरीदे, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा प्रॉफिट आपने बना लिया है। पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट आई थी जो कि इस काउंटर पे 3500 के लक्ष्य दे रही थी, 3500 आ गया सर, है ना, 700 रुपये आपने भी कमा लिए, बहुत अच्छी कमाई की। हो सकता है ये जैसे मैंने कहा था ना, चेंजिंग ट्रेजेक्ट्री, जो फंडामेंटल्स जब डायनेमिक्स चेंज होते हैं कंपनी के, तो पता नहीं चलता कंपनी कितने फोल्ड्स बढ़ेगी, ये परसेंटेज बढ़ने वालों में से, तो ये भी उसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है एक टाइप की, हालांकि बहुत चला है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो पार्शियली कीजिएगा, 25% से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना मत, रहिएगा इस काउंटर पे, अगर नीचे आता है तब की तब से देखेंगे, फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा चाहिए 25% के आसपास का प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए, अगर आपको पैसे की जरूरत हो, नहीं है तो वो भी रहने दीजिए, देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है आगे जाके, सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ मैं, है ना। चलिए फाइजर नितिन सोनी और HDFC पे पूछे, फाइजर वेरी गुड काउंटर, मेरे ख्याल से 4800 के आसपास ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो काउंटर बहुत अच्छा है और अच्छी चॉइस है, रखना चाहते हैं रख सकते हैं, इन लेवल्स पे भी खरीदारी करके चलिए, मैं ना नहीं बोलूँगा फाइजर के, तो कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल के साथ खेल सकते हैं, 5000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल है इस काउंटर में, 52 वीक हाई 5170 का है और
4200 के आसपास इस कंपनी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन 200 डीए में 4500 के आसपास का स्टॉप लग सके, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल हो जाता है, ये भी याद रखिए। देखिए 5000 के लेवल के आसपास ये काउंटर घूम रहा है, थोड़ा नीचे आएगा तो ज़्यादा खरीदारी के बेटर मौके होंगे। अगर 5000 के ऊपर निकल गया तो मेरे ख्याल से फ्रेश तेजी इस काउंटर में फिर से एक बार बन सकती है। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा काउंटर है, और ऐसे ही HDFC भी है, पोर्टफोलियो में रखने लायक काउंटर है सर ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रखिए अपने पोर्टफोलियो में, पैसा ये काउंटर आपको ज़रूर बना के देगा। हो सकता है आपको साल भर में नहीं बना के दे, लेकिन ये वो 2-3 साल वाले जो काउंटर्स है ना, ये उनको बिलोंग करता है, और फटफट पैसा बनता है इन काउंटर्स में, अच्छा पैसा बनता है, बनेगा। दोनों फंडामेंटली अच्छे काउंटर है, मेरी इन काउंटर में अगर है तो होल्ड की सलाह है, नहीं है तो चाहिए तो आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अतुल पटेल पूछ रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। देखिए रियल एस्टेट काउंटर में मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, लेना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज लीजिए, उसके अलावा कुछ मत लीजिए। जहाँ तक आपने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात की, देखिए आज के तेज़ी वाले दिन पे 66 के आसपास है, और आपको याद होगा इन काउंटर्स में मैं लगातार आपसे कहता था कि दूर रहिए इन काउंटर्स से, इनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी गिरेंगे। ट्रेड लेना है तो 64 का स्टॉप लॉस रखिए, और 70 के टारगेट के लिए ट्रेड कीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं इस काउंटर में, क्योंकि फंडामेंटली मुझे ये काउंटर्स नहीं पसंद है, रियल एस्टेट एज अ स्पेस ही मुझे नहीं पसंद है, तो बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए, और लेना है तो गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर में लीजिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नॉट माई बैट। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं, कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, आपके जो बचे कुछ सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए, सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा, तो आपको बताएंगे ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, वहाँ से भारतीय बाजारों के लिए कैसे संकेत निकल के आ रहे हैं, इंडियन मार्केट्स को आपको कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे आपको खास नज़र रखनी है। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।